सब्सक्राइब करिए आरके लानी स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आरके लानी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सोलर सिस्टम का पार्ट टू। पार्ट वन अपलोड कर दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन देख लीजिए, उसमें मैंने 95 क्वेश्चन कराया था, यह पार्ट टू है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर वो टच कर देना और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में, परिश्रम पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य सरकार द्वारा। पहला प्रश्न है, किसने सबसे पहले पृथ्वी परिधि को मापा? आपको 3 सेकंड मिलेगा, उसके बाद मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा। दोस्तों, इसको आप रियल एमसीक्यू समझकर सॉल्व कीजिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। नेक्स्ट, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से लगभग कम है, 43 किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग है 12,750 किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा घूर्णन। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसौर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ऋतुएं होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। नेक्स्ट, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र और मंगल। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने सबसे पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट, पृथ्वी की धुरी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा झुकी हुई। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। नेक्स्ट, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल। पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। नेक्स्ट, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाथ फाइंडर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथ फाइंडर। नेक्स्ट, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। नेक्स्ट, एक ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का मान झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल के विषय में। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा डीमोस, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। नेक्स्ट, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। नेक्स्ट, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अशांत बादल, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे वे संकेत देते हैं अशांत बादल का। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था। नेक्स्ट, गलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति से, गलन अभियान बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह से, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था। नेक्स्ट, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में सबसे ज़्यादा अधिक समय लेता है बृहस्पति। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गैनीमेड, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह, शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। नेक्स्ट, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, नासा के मिशन का नाम जूनो है बृहस्पति। नेक्स्ट, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि का, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन ग्रह है जो कि शनि का उपग्रह है। नेक्स्ट, शनि ग्रह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपच्यून से गर्म, शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। नेक्स्ट, शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने, शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या 10 है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। नेक्स्ट, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण। नेक्स्ट, ओबेरॉन टाइटेनिया एरियल अम्बरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह के, ओबेरॉन टाइटेनियम एरियल अम्बरियल और मिरांडा ये पांचों शनि ग्रह के उपग्रह हैं। नेक्स्ट, अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण ग्रह, अरुण ग्रह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 वर्ष में, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 84 वर्ष में लगाता है। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण, वरुण ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपच्यून, सौर परिवार के ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह हैं सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण और वरुण। नेक्स्ट, यम अथवा कुबेर यानी प्लूटो की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। नेक्स्ट, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 59%। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का 59% है। नेक्स्ट, क्लेबियस निम्नलिखित में से क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। नेक्स्ट, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस लूनर के नाम से। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, फीफा वुमन फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को नीचे रेट कर हमें सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको टच कर देना, और बगल में बेल आइकन को भी यहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।